उन्हीं के कदमों में ये सारा जहां होता है, जिनका आसिया बीच आसमां होता है। फिर तो फितरत सी बन जाती है मुश्किलों से लड़ने की, फिर तो फितरत सी बन जाती है मुश्किलों से लड़ने की, और हर मुकाम पर पहुंचना आसान होता है। नमस्कार, मैं अनिल के कुमार इम्प्रिंट एनएलपी मास्टर लाइफ कोच आज आपके साथ जुड़ा हूं। दोस्तों हर किसी के जहन में एक सवाल पैदा होता है बार बार, आपके भी जहन में हुआ होगा कि यहां पर इस धरती पर मैं क्यों हूं, क्यों बनाया है भगवान ने मुझे, क्या करने के लिए और मैं क्या कर रहा हूं। ये सवाल आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों हर किसी के जहन में आता रहता है, और लोग इस बात से अपने आप से बार बार ये सवाल पूछते हैं, क्या है मेरा पर्पस, क्या है मेरी जिंदगी का मकसद, और क्यों मैं यहां आया हूं, और किस तरह से मैं इस यूनिवर्स को हेल्प कर सकता हूं, किस तरह से समाज को और बेहतर बना सकता हूं, किस तरह मैं मानवता के लिए कुछ बेहतर कर सकता हूं। दोस्तों यदि ये सवाल आपके भी दिमाग में आया है तो ये वीडियो आपके लिए। आप देखिए आपके चारों तरफ कितनी चीजें हैं, आपके हाथ में लैपटॉप है, मोबाइल है, वहीं आपके घर पे टीवी है, फ्रिज है, वहीं कारें हैं, एयरपोर्ट बने हुए हैं, हवाई जहाज घूम रही है, ट्रेन घूम रही है, ये सब मानव ने बनाए। जरा सोचिएगा कि मानव ने जो चीजें बनाई हैं उन चीजों के पीछे कोई पर्पज है। टीवी बनाया ताकि हम घर बैठे दूर दूर तक की खबरें ले सके। दूसरी मोबाइल बनाया ताकि आप एक दूसरे से कनेक्टिविटी बढ़ा सके। ये ट्रांसपोर्टेशन मींस बनाए ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह जा सके। दोस्तों आपके घर में फ्रिज बनाया ताकि आप अपने फूड को काफी समय तक सेफ रख सके। दोस्तों कोई भी चीज आप अपने सराउंडिंग में देख रहे हो, क्या उनमें से कोई भी ऐसी चीज है जो मानव ने बिना किसी पर्पज के बनाई हो? दोस्तों जब मानव ने कोई भी चीज बिना किसी पर्पज के नहीं बनाई, तो क्या आप मानते हैं कि आपका भगवान, आपका ईश्वर, आपका अल्लाह, आपका वाहेगुरु गलती कर सकता है? जब मानव कोई भी चीज बिना पर्पज के नहीं बना रहा, तो क्या आपके भगवान वाहेगुरु अल्लाह ईश्वर ने आपको बिना किसी पर्पज के बना दिया? नहीं मेरे दोस्त, आप भी किसी पर्पज के लिए इस यूनिवर्स में आए हैं, किसी मकसद के लिए इस यूनिवर्स में आए हैं। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं किस तरह से आप अपने उस पर्पज को पहचाने। जब भी आपने बहुत सी वीडियो देखी होंगी, बहुत सी आर्टिकल्स पढ़े होंगे, और इस खोज में आप यहां तक पहुंचे हो, मेरे तक पहुंचे हो, इससे पहले आपने बहुत सी चीजों को खोज लिया होगा। अमूमन लोग ये कहते हैं पैशन को डिफाइन करो, और पैशन को जिसमें आपका पैशन होता है उसी चीज को आप, वही आपका मकसद है। कोई बोलता है कि जिस चीज को, जो काम आपको आता है उस पर फोकस करो, तो कोई व्यक्ति कहता है कि आप उस चीज पे फोकस करो कि जो दुनिया की रिक्वायरमेंट है, लोगों की हेल्प हो पाए। कोई कहता है उस चीज पे फोकस करो जिससे आपको पैसा मिले। दोस्तों एक्चुअल में पर्पज ऑफ लाइफ कैसे डिफाइन करें, चलेगा कुछ डायग्राम्स के साथ मैं आपके साथ शेयर करता हूं किस तरह से ये चीजें आपको और बेहतर बना सकती हैं, किस तरह से ये चीजें आपको और शालीनता के साथ समझा सकती हैं, किस तरह से आप इन चीजों को और बेहतर तरीके से समझते हो। दोस्तों पर्पज ऑफ लाइफ के लिए हम चारों सेक्टर लेते हैं जो हमने अभी डिस्कस किए, जो लोग कहते हैं, अगर उनमें से कौन सा होता है कौन सा नहीं होता है तो हमें क्या इफेक्ट पड़ता है, उस पे हम एक बार फोकस करें। क्योंकि मैं माइंड साइंस में कपल ऑफ ईयर से काम कर रहा हूं, और मैंने ये पाया है कि जो लोग किस किस चीज के साथ काम कर रहे हैं तो उनमें क्या कॉन्फ्लिक्ट्स मिला है हमको बाद में, चलेगा इस चीज को देखने के लिए आप बने रहिएगा। यदि आप ये सीखना चाहते हैं तो इससे पहले अगर आपका ही आपकी भी ये समस्या है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं लगातार इसी तरह की रिसर्च करके, इस तरह की बेहतरीन किताबों से कलेक्शन करके आपके लिए लेके आता हूं बेहतरीन माइंड टेक्निक्स, किस तरह से अपने आप को, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप अलाइंड करें।
किस तरह से अपने सपनों को डिजाइन करें और किस तरह अपने परिवार को बेहतर बनाते हुए सक्षमता, सफलता और समृद्धि की राह पर चलें। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और नहीं किया है तो बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम दो दो तीन दिन वीडियो पर दिन में डाल देते हैं और आप उनको मिस ना कर जाएं। दोस्तों ये कंटेंट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपके जीवन में एक क्षणिक भी चेंज आता है तो मैं अपने आप को आभारी समझता हूं कि मैंने किसी को राह दिखाई। दोस्तों बड़ा आसान था, इस लॉकडाउन के पीरियड में मैं अंदर पड़ा रहता, मैं भी लॉकडाउन होता। मैंने कल एक फ्रेंड के पास कॉल किया तो उसने उससे बातें हुई तो वो बोलता है वो भाई कहां है लॉकडाउन में, तो वो बोलता भाई लॉक हूं डाउन नहीं हूं, यानी कि वो फुल ऑफ एनर्जी हूं डाउन नहीं हूं। तो दोस्तों हकीकत यही है कि लॉक हो जाओ, क्योंकि बाहर खतरा था, खतरा है, आप अपने परिवार के लिए खतरा ना लेके आए, लेकिन डाउन नहीं होना है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम डाउन हो गया तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो इसी तरह की किस तरह आप इम्यून सिस्टम को ठीक करें, किस तरह अपने बिलीफ सिस्टम को ठीक करें, बहुत सी वीडियोस आगे आने वाली है। चलिएगा टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, पर्पज ऑफ द लाइफ क्या है, क्योंकि पर्पज ऑफ द लाइफ अभी आपने अपने फ्रेंड के साथ अगर इस वीडियो को शेयर किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो भी अपने पर्पज ऑफ द लाइफ को ढूंढ पाएंगे। आज आप ढूंढ पा रहे हैं, आपकी क्या उम्र है एक बार देखिए कि आप इस उम्र में इस पर्पज ऑफ द लाइफ ढूंढ रहे हैं। यदि आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो को आप उन बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे जो आज 20 साल के हैं, 10 साल के हैं, 15 साल के हैं। अगर वो अपना पर्पज ऑफ द लाइफ इस एज में बना लें तो आपकी उम्र तक पहुंचने तक या मेरी उम्र तक पहुंचने तक वो कहां होंगे, वो अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों पर्पज ऑफ द लाइफ आइडेंटिफाई करना हर व्यक्ति का अपना एक सपना रहता है, हर व्यक्ति चाहता है, ढूंढता है, कभी ना कभी उसके दिमाग में सवाल जरूर आता है कि उसके जीवन का पर्पज क्या है, क्यों वो इस धरती पर आया है, मकसद क्या है धरती में आने का उसका। तो दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि आप उस काम को करो जिसको आप प्यार करते हो, वहीं कुछ लोग कहते हैं वो काम करो जिनको जिनमें आप बहुत बेहतर हो, वहीं कुछ लोग कहते हैं कि आप वो काम करो जिनसे लोग आपको पे कर पाए। दोस्तों कुछ लोग कहते हैं वो काम करो जिसकी लोगों को जरूरत है। अब सवाल आता है कि यदि अकेला एक काम आप करते हैं, चाहे आप प्यार करते हैं, वो काम करते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट रहता है, लेकिन आपका इंटरेस्ट है लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आप कुछ दिन के बाद में उसे डिमोलाइज हो जाओगे। वहीं कुछ काम ऐसे हैं जिनमें आप बेस्ट हो उसको करना चाहते हो लेकिन लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है उस चीज की, तो आपका वो वेस्ट हो जाएगा। वहीं आपको सारी चीजें हैं लेकिन उसमें पैसा नहीं है तो भी आपके डिमोरलाइज एक स्टेज पे आप आके आ जाते हैं। तो अब लोगों की नीड और आपका प्यार जो है वो एक मिशन है। क्या है? एक मिशन। जब व्यक्ति दो चीजों को मिला देता है, अपने प्यार को भी, लोगों की जरूरत को भी, तो एक मिशन पे लग जाता है कि मेरे को तो हेल्प करनी है लोगों की। दोस्तों पैशन है आपका, किस तरह से आप जिस चीज को प्यार भी करते हो वो काम भी आपको आता है, वो आपका पैशन है। और दोस्तों जिस चीज जो काम आपको आता है उसका अगर आपको पैसा भी मिलता है तो वो आपका प्रोफेशन है, वो आपका प्रोफेशन है। और दोस्तों यदि आप देखते हैं कि आपको पैसा भी मिल रहा है और लोगों की जरूरत भी है तो वो आपका वोकेशन है। दोस्तों जब ये चारों चीजें मिलती हैं तभी पर्पज ऑफ द लाइफ बनता है। अकेली एक चीज से कोई पर्पज ऑफ द लाइफ नहीं बनता, ना अकेले पैशन से, ना अकेले मिशन से, ना अकेले वोकेशन से, और ना ही अकेले प्रोफेशन से। दोस्तों आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो एक पैशनेटली काम करना शुरू करते हैं लेकिन कुछ दिन के बाद में वो थक जाते हैं, वो पैशन खत्म हो जाता है, वो पैशन मर जाता है। क्यों? क्योंकि यदि उनके पास फाइनेंशियली पैसा नहीं आता है, यदि देखिए पैशन किससे बना, इंटरेस्ट से और जो काम वो करना चाहते हैं उससे, यानी कि लोगों की उसको जरूरत नहीं है, उसको पैसा नहीं मिल रहा, तो कुछ दिन के बाद वो पैशन खत्म होने लग जाता है, मरने लग जाता है, डाउन होने लग जाता है। वहीं अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो जो व्यक्ति अपने आप में बेस्ट करता है और वही व्यक्ति अपने गोल के साथ उसका पैसा भी उसको मिल रहा है लेकिन कुछ दिन के बाद में दोस्तों आप देखते हो कि वो सेटिस्फाई नहीं होता अपने आप से, क्योंकि वो उस काम को नहीं कर रहा जिसको प्यार करना, जिसमें उसको मजा आता था, वो कर रहा है जिसमें वो बेस्ट है और जिसमें जिससे उसको पैसा मिल रहा है, तो वो प्रोफेशन आता है। दोस्तों आप प्रोफेशनल लोगों को देखो कि वो सेटिस्फाई नहीं होंगे अपनी लाइफ से। दोस्तों वही
वोकेशन होता है कि जिसकी लोगों को जरूरत है और उससे पैसा भी मिल रहा है। अगर लोगों की जरूरत के अनुसार आप अवेलेबिलिटी लेके आते हो तो वो वोकेशनल ट्रेनिंग आपने सुनी होगी दोस्तों, वो वोकेशन है। और मिशन है दोस्तों, जब आप जिस चीज को प्यार भी करते हैं, लोगों की जरूरत भी है, लेकिन जब ये चीजें होती हैं तो वाइस वर्सा एक दूसरे की कमी की वजह से आप उनमें से दूसरी चीजें खोते रहते हैं। यदि हम ऐसे काम ढूंढें कि जिनमें हमें हमें प्यार भी हो, ऐसे काम ढूंढें जिनमें हम बेस्ट भी हो, ऐसे काम ढूंढें जिनसे हमें पैसा भी मिले और लोगों की जरूरत भी हो, दोस्तों वही पर्पज ऑफ द लाइफ है। आपका सवाल होगा कि सर मैं जान कैसे सकता हूं कि पर्पज ऑफ द लाइफ कैसे डिफाइन कैसे करूं, अभी भी वही सवाल बना हुआ है। दोस्तों एक पेपर पेन लीजिए और अपने आप से एक सवाल पूछिए, पहला वाला, कि कौन कौन से ऐसे काम हैं जिसको जब आप करते हैं तो आपको मजा आता है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को यही पॉज कीजिए कुछ क्षण के लिए और उस पेपर पेन पे जितने भी जवाब आपके पास आ रहे हैं उन जवाबों को लिखिए। उनमें एक चीज का ध्यान रखिएगा कि उसमें आप क्रिएटिव प्रोडक्टिव कामों को लिखिएगा, यूजर बन के नहीं, जिन चीजों में आप क्रिएटर हो वो काम लिखिएगा। दोस्तों अगर आप कहते हो मेरे को टीवी देखने में मजा आता है, तो वहां पर आप एक यूजर बन रहे हो, क्रिएटर नहीं हो। तो देखिए कहां कहां पर आप क्रिएटर हो, कौन कौन से काम करने में आपको मजा आता है। मैं आशा करता हूं आपने लिखा होगा। अब दूसरा सवाल लीजिएगा कि कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनमें आप बेस्ट, इनमें आप हेल्प ले सकते हो। एक बार इमेजिन कीजिए आंखें बंद करके कि कहां कहां पर आपके पेरेंट्स ने, आपके सिबलिंग्स ने और आपके फ्रेंड्स ने आपके कामों को सराहा है। जी हाँ, वो सारे काम आप लिखिएगा जहां पर हर कोई ये कहता है कि आपसे बेस्ट और कोई नहीं कर सकता। इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और लिखिए क्या क्या काम है वो, कहां आपकी मम्मी आपके लिए उस काम को रख के रखती है कि आप आओगे तो आप ही करोगे, क्योंकि आपसे बेस्ट कोई नहीं कर सकता। कौन कौन से काम, वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। दोस्तों आपने लिख लिया होगा दोनों एक्सरसाइज, अब इनमें से वो दोनों चीजों में से वो चीजें निकालिए आपके पैशन में से, कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी जरूरत आज यूनिवर्स को है, आज दुनिया को है, कौन से ऐसे टास्क हैं जो अगर आप करने लगे, अपने जीवन में बताने लगे, लोगों को समझाने लगे, लोगों के लिए बेहतर करने लगे, तो उनके जीवन में चेंज आएगा, उनके जीवन में एक परिवर्तन आएगा, उनको एक ऊर्जा मिलेगी, उनका जीवन आसान होगा। कौन कौन से ऐसे काम है उनको टिक आउट कीजिए और अब उनमें से सिग्रीगेट कीजिए उन कामों को, कि कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनसे लोगों में इतना चेंज आएगा कि लोग उसके लिए पैसा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। दोस्त वो आपका पर्पज ऑफ द लाइफ है, आप उसके लिए बने हुए हो। आप जब उस चीज पे काम करोगे तो आप अपने जीवन का अल्टीमेट मजा ले रहे होंगे। दोस्त आप एक फ्लो में होंगे, आप हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, आपको कभी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोटिवेशन आपके अंदर से आएगा। दोस्तों मोटिवेशन वो नहीं जो बाहर से डाला जाता है, मोटिवेशन वो है जो अंदर से आता है। दोस्तों आज मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये मैं अपने दिल से कर रहा हूं, क्योंकि मैंने जो चीजें सीखी मेरा दिल कहता है क्यों ना मैं लोगों को सिखाऊं। इस कोरोना के ड्यूरेशन में, अभी इस माहौल में हर जगह नेगेटिविटी है, तो क्यों ना मैं एक पॉजिटिविटी की शुरुआत करूं। इसलिए दोस्तों मैं ये स्पेसिफिक वीडियो आपके लिए आज शूट कर रहा हूं। दोस्तों अब एक सवाल बनता है कि क्या होता है कि यदि इनमें से कोई भी एक चीज, पहले मैंने डिस्कस किया सिंगल वाला, अगर आपके पास सिर्फ प्यार प्यार पे आप काम करते हो तो क्या इफेक्ट होता है, फिर मैंने डबल पे क्या किया कि यदि आपका पैसा बन जाता है, यानी कि आपका जिस प्यार करते हो वो और जिसमें आप अच्छे हो उन पे अगर आप काम करते हो तो क्या आपको नुकसान होते हैं, किस तरह की मनोवृत्ति होती है, क्यों बोर हो जाते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूं, यदि आप इस सर्कल में से एक चीज को छोड़ देते हैं तो किस तरह की लाइफ आप फील करते हैं, लोग फील करते हैं, जो मैंने रिसर्च में पाया है, जो मैंने बुकों में पढ़ा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है लोगों के साथ जुड़ के। दोस्तों उस पे मैं आपको बताना चाहूं कि जब आपके पास कोई भी चीज है, सपोज करो मैं आपके पास पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलूं कि एक पैशन और प्रोफेशन के बीच में एक सर्कल है, अगर आप इस सर्कल के बीच में देखोगे जिसमें टिक कर रखा है, और अगर आप पैशन और प्रोफेशन दोनों पे काम करते हैं, यानी कि इसमें तीन चीजें आपकी आ गई, वी लव जिससे आप व्हाट यू लव,
व्हाट यू आर गुड एट और व्हाट इज गोइंग टू बी पेड यू, ये तीनों चीजें अगर आ जाती हैं तो उसमें पैशन और प्रोफेशन दोनों चीजें आ जाती हैं दोस्तों। अगर आप पैशन और प्रोफेशन दोनों चीजों पे भी काम कर रहे हो दोस्तों, तो आपके पास एक सेटिस्फेक्शन की तो फीलिंग होती है, आप सेटिस्फाइड होते हैं अपने जीवन से, लेकिन एक यूजलेसनेस रहती है आपके अंदर। यूजलेसनेस क्यों रहती है कि आप किसी के काम नहीं आए, आपको प्यार था वो काम किया, आप बेस्ट थे वो काम किया, और जिसने आपको पैसा दिया वो काम किया, आपने तीनों वो काम किए, लेकिन यदि उस चीज की लोगों को जरूरत नहीं थी तो आप अपने अंदर एक फीलिंग लेके आ जाते हैं एक टाइम के बाद कि आप यार यूजलेस, आप किसी के काम नहीं आए, सिर्फ आपने पैसे ही पैसे कमाए। दोस्तों यदि आप अपने प्रोफेशन और वोकेशन पे फोकस करते हैं, पे ही काम करते हैं, व्हाट वी लव को छोड़ देते हैं, तो क्या होता है दोस्तों कि आप कंफर्टेबल तो रहते हैं, एक कंफर्टेबल रहता है कि आप काम भी वही कर रहे हो जो आपको पसंद है, आपको उसका पैसा भी मिल रहा है, लोगों की भी उसकी हेल्प हो रही है। तो दोस्तों जिस चीज में आप बेस्ट हो वो काम कर रहे हो, जिस चीज में लोग पैसे दे रहे हैं, जिस चीज की लोगों को जरूरत है, इस काम को भी आप करते हो, तो ये है प्रोफेशन और वोकेशन का मिक्सअप। जी हाँ, तो उस स्टेट पे आप क्या होता है, कंफर्टेबल तो आप होते हो, लेकिन एक इम्पेटिनेस लगती है अंदर से कि एक खालीपन लगता है कि अपने लिए तो कुछ कर नहीं रहे, अपने अपनी खुशी के लिए तो कुछ कर नहीं रहे। उस वक्त भी कुछ स्टेज पे आके लोग अपने आप को इम्पेटिनेस फील करने लग जाते हैं कि यार मेरे जीवन का मकसद क्या था, मैं दूसरों के लिए कमाता रहूं, मैं दूसरों के लिए काम करता रहूं, क्या मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना चाहिए। दोस्तों वही हम फोकस करते हैं कि जब आप मिशन पे और वोकेशन पे फोकस करते हैं तो आप पाते हैं कि आप उस एस्पेक्ट को छोड़ रहे हैं व्हाट यू आर गुड एट। जब आप मिशन पे और वोकेशन पे काम कर रहे होते हैं तो आपका व्हाट यू लव आ जाता है, आपका व्हाट द पीपल नीड आ जाता है, और व्हाट द पेड फॉर आ जाता है, तो आप उस चीज को छोड़ देते हो जिसको जिसमें बेस्ट हो। तब क्या होता है दोस्तों, तब होता है कि आप एक एक्साइटमेंट तो आप में बना रहता है कि हाँ मैं बेहतर कर रहा हूं, लेकिन एक अनसर्टेनिटी होती है क्योंकि आप वो काम कर रहे हो जो आपको नहीं आते, समझ में आ रहा है, क्योंकि जब आप वो काम तो आपने छोड़ रखा है जिसमें आप बेस्ट हो, तो आप जो काम कर रहे हो वो कर रहे हो जिसमें आप बेस्ट नहीं हो, तो एक डर सताता रहता है हर वक्त, यदि यहां से निकाल दिया गया, यदि मैं यहां से चला गया तो मेरे जीवन पे क्या असर पड़ेगा। दोस्तों वो अनसर्टेनिटी बनी रहती है हमेशा। वही दोस्तों अगर मैं फोकस करूं आपके मिशन पे और आपके पैशन पे, यदि आप मिशन और पैशन पे फोकस करें, यानी कि पेड वाले पोर्शन को छोड़ दें, यानी पैसा आपको ना मिले, तो क्या होगा। तो दोस्तों आप अपने जीवन में डिलाइटफुल तो रहेंगे क्योंकि आपके सपने भी पूरे हो रहे हैं, आपको मजा भी आ रहा है, लोगों की हेल्प भी हो रही है, और आप काम भी वही कर रहे हो जिसमें आप बेस्ट हैं। लेकिन दोस्तों जब पैसे नहीं आएंगे तो आप एक्साइटमेंट तो रहोगे, एनर्जी के साथ तो रहोगे, डिलाइटफुल तो रहोगे, लेकिन आपके पास पैसा नहीं होगा। दोस्तों पैसा भी अपने जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। हो सकता है जिसके पास पैसा हो उसको फर्क ना पड़े, लेकिन जिसके पास नहीं होता उसको बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों इन साइकिल्स को अगर आपने पर्पज ऑफ द लाइफ ढूंढना है तो पर्पज ऑफ द लाइफ इसी तरह ढूंढा जा सकता है कि ये सारे फैक्टर आपके गोल में हो, आपके मिशन में हो, आपका पैशन भी वही हो, आपका प्रोफेशन भी उसी में हो, आपका वोकेशन भी उसी में हो, और आपका मिशन भी उसी में हो। तो मैं ऐसा करता हूं ये वीडियो आपको हेल्प करेगी अपने जीवन को और बेहतर बनाने में, अपने आप को सफल बनाने में, आगे बढ़ते रहने में और खुशियों को छूने में। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको हेल्प करती है, यदि आप अपने जीवन में कुछ बेहतर कर पाते हैं, और यदि आप फील करते हैं कि मैंने आपको कोई वैल्यू ऐड किया है आपके जीवन में, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, अपने रिलेटिव्स तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए किसी भी माध्यम से, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जिस भी माध्यम से आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी अपनी जिंदगी का पर्पज बना पाएं, हमेशा खुश रह पाएं, हमेशा पैशनेट रह पाएं, हमेशा एक इनकम उनको मिलती रहे, हमेशा वो सृष्टि, समाज और यूनिवर्स के काम आ पाएं। दोस्तों यही मिशन ऑफ द लाइफ है।
यही पर्पज ऑफ द लाइफ है, यही प्रोफेशन ऑफ द लाइफ है, यही वोकेशन ऑफ द लाइफ। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको हेल्प करेगी और आप अपने जीवन की नई ऊंचाइयों पर छुएंगे। दोस्तों एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि और नोटिफिकेशन पर बटन दबाइएगा ताकि आपके पास ऐसी जानदार शानदार और बेहतरीन वीडियो पहुंचती रहे। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।